मजा आ गया। अब हमारे पास सिर्फ लौटने तक का ईंधन बचा है। यकीन ही नहीं आता, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले इंसान हैं जो ये नजारा देख रहे हैं? Henry to Shelmira, एक घंटे में वापस आते हैं। ठीक है 56 Henry, आगे वातावरण साफ है, ओवर। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, और ईश्वर हार नहीं सकता। क्या देखा तुमने? एक खुला मैदान, क्या दृश्य था वो, इनको बताओ बेटे। खूब सारे बड़े मकान और उनके इर्द गिर्द कम से कम 6 छोटे छोटे मकान थे। ओका लोगों की बस्ती, कितने दिनों से तलाश थी। क्या कह रहे थे तुम, कहाँ थी वो बस्ती? क्यूरारे नदी के तट पर रेड। हवाई जहाज से 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। तो वो इतने पास है, चलो हम उनसे जाके मिलते हैं। ठहरो दोस्तों, ओका लोगों ने पहले कई लोगों की जाने ली है जिन्होंने उनके करीब आने की कोशिश की थी। याद है ना, कुछ साल पहले 4 लोगों का निरीक्षण दल था, काफी हफ्तों तक निरीक्षण कर रहे थे वो। Rogelio, ¿qué pasó? Aucas, sus escopetas. ¡Corran, muchachos! Cuidado, atrás de ti. Por ahí, cuidado. Mario, Mario. Corran. सब के सब मारे गए। मैं कहता हूँ हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मैं पेटी से सहमत हूँ, हम उनसे मिलेंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं जानता हूँ कितना खतरा है इसमें दोस्तों, पर सोचो क्या बढ़िया मौका होगा। इन लोगों ने कभी कुछ नहीं देखा और जाना है, और बाहरी दुनिया इनके बारे में कुछ नहीं जानती। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कुछ भी मुमकिन है। और मैं कहता हूँ हमें राज हमारे तक ही सीमित रखना होगा। अगर ये बात की भनक औरों को लग गई तो ऐसा सुनहरा मौका हाथों से निकल जाएगा। हशाश, सिर्फ अपनी पत्नियों तक सीमित रहे ये, और किसी को इस राज का पता नहीं चलना चाहिए। और अगर इसमें सफल ना हुए तो समझेंगे ये ऊपर वाले की मर्जी है। आओ करें ओका लोगों का उद्धार, हम सब साथ हैं। ऑपरेशन ओका जिंदाबाद। नजारा है, कोई आवाज नहीं, शांति। पर यहाँ तो हमेशा ही शांति होती है दादाजी। यहाँ हमेशा शांति नहीं हुआ करती थी। एक समय ऐसा था कि हम डर के साए में जीते थे। डर? हाँ, परदेसियों का डर और कुछ हमारे खुद के लोगों का डर। ऐसा वक्त जब हमारे अपने बिरादरी के लोग मौत के घाट उतारे जा रहे थे, और हमारे लोग भी औरों को मौत के घाट उतार रहे थे, फिर वो लोग यहाँ आए। जिम? हाँ जिम, और नेट और पेटे, एड और रोजर, वो लोग जिन्हें साक्षात ईश्वर ने भेजा था। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। चलो चलो अब शुरू करो। हाँ हाँ ठीक है, अरे उधर से, हाँ करेक्ट, ठीक है। अब तुम में वो बात नहीं रही। ऐसा तुम्हें लगता है मैकुली? वाह वाह, क्या पैतरा है, वाह। कैसे हो दोस्तों? वो नीले रंग के ट्रंक में कौन है? जिम एलियट, विश्वास मानो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तो तुम राष्ट्रीय व्यक्तित्व स्पर्धा के विजयी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े 30 बार खान हो?
तुम में बहुत प्रतिभा है क्यों? तुम्हें क्या लगता है कहाँ से आई तुम्हें ये काबिलियत? हाँ मैं बता दू कहाँ से मिली तुम्हें ये काबिलियत? हाँ ये ईश्वर की देन है तुम में मैकुली। तुम क्या सोचा है तुमने इस काबिलियत के बारे में? तुम्हें ईश्वर का प्रचारक होना चाहिए था और मेरी मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि ये बात सच हो जाए। ठीक है जिम, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। क्या बात है, पकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। अरे अरे, तो क्या जिम किसी के साथ नहीं है? बिल्कुल अकेला, एक ही पथ पकड़ के चलता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ईश्वर के नाम के प्रचार के लिए शायद पूरी जिंदगी अकेला ही रहेगा वो। मेरी बातों पर गौर जरूर करना, शायद वकालत खत्म होने के बाद। इतना याद रखना दोस्त, वकालत अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और जरूर करेगा, पर ईश्वर के नाम का प्रचार करने का मौका सबको नहीं मिलता। इस पर जरूर सोचना यार। तू है मेरा, मैं जानता हूँ ये बात, और खुशी से चलूंगा ईश्वर तेरे साथ। तू है मेरा, मैं तेरा। क्या समय हुआ होगा? बस हम पहुंच गए समझो। काश एड होता हमारे साथ। जीत है ईश्वर पर भरोसा, भगवान जीत है। क्या हुआ? बंद। क्या बंद पड़ गई? बंद पड़ गई। शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ, कम ऑन। ये आवाज कैसी है? कम ऑन शुरू हो जाओ, हे भगवान, तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ। दूसरी बार? क्या? पहली बार जब शिकार करते समय एक गोली मेरे माथे को छूकर निकल गई थी। ईश्वर मुझसे कई खेल खेलता आया है अब तक। मेरे पिताजी मेरा खून पी जाएंगे। अगले हफ्ते हम सब ये गाड़ी से मेक्सिको जाने वाले थे, अब हम कैसे जाएंगे? वो जीम के लिए पहला अवसर था अपने देश को छोड़कर मेक्सिको में ईश्वर का प्रचार करने का, और उन्होंने रास्ता ढूंढ निकाला वहां पहुंचने का। शुक्रिया जनाब। Más adelante, el arca de Noah. Noé. Gracias, señor Ron. Y el arca de Noé subió y subió en la agua. Y habrá y habrá. Bueno. Eso. Pero Dios ayudó a Noé. Y Noé y su familia rescatados. ¡Qué bate, Jim! ¡Tú te chague! ¡Oh! ¡Wow! वाकई जिम ने कितने जल्दी स्पैनिश सीख ली है ना? कितने समय से है वो यहाँ? 6 हफ्तों से। ढेर सारा मनोबल है उसके पास। एक बात कहूँ तुम्हें? वो क्या? जिम इलियट वाकई बड़ा साहसी नौजवान है। बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा ये लड़का। इंडिया? तुम इंडिया जाना चाहते हो? मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ईश्वर की यही मर्जी है कि मुझे इन देशों में जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। एक डॉक्टर टिडमार्श है, वो साहब इक्वाडोर में वहां के वासियों के साथ काम में जुटे हैं। देखो क्या होता है। हाँ, तुम अच्छे शिक्षक बनोगे। हमारे देश में तुम जैसे लोगों की जरूरत है। पता है, मगर मुझे ये नहीं पता कि ईश्वर मुझसे चाहते क्या है। हमारे देश के लोगों को हर सहूलियत हाजिर है, शायद कुछ ज्यादा ही। अगर मुझे कुछ करना ही है तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहूंगा जिन्होंने ईश्वर की राह न कभी सुनी हो न जानी हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर ने आवाज दी है। आवाज दी है अपना देश अपना घर छोड़कर जाने के लिए? मुझे मालूम नहीं। हाँ, पर एक बात मुझे जरूर पता है रॉन, कि वो मूर्ख नहीं
जो दे दोनों हाथों से, वो जो खुद नहीं रख सकता, वो पाए जो वो खुद नहीं खो सकता। जब वक्त आएगा वो ईश्वर सब मुश्किलें हल कर देगा। ये देखो रॉन, यहां हम तुम बैठे हैं ईश्वर की लीला की जय जयकार में और ये नजरों की तारीफों में मगन, मगर दुनिया के किसी और हिस्से में यही चांद एक ऐसी जगह, एक ऐसे इंसान पर भी रोशन हो रहा है जिसे ईश्वर की इन लीलाओं की भनक भी नहीं। शायद ऐसा कोई जिसने ईश्वर के बारे में ना सुना हो, या शायद ईश्वर है ये ख्याल भी कभी ना आया हो। जहाँ भी वो इंसान है वहां मुझे जाना है। बहुत तो मैं पो, ये बेचारी तो कांप रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रही है। बहुत तो मैं पो, तुम्हें यहाँ मिली आज सुबह है ना? हाँ जनाब, ये औका के बस्ती की लगती है। वो बस्ती तो आदमखोरों की बस्ती है, हर कोई डरता है उनसे। हमारा कभी उनसे मेल नहीं हो पाया। दोस्तों के तौर पे मालूम होता है वो वहाँ से भाग आई है। हाँ बेचारी बहुत डरी हुई है किसी वजह से। डॉक्टर टिडमार्श बहुत उत्सुक होंगे इससे मिलकर। कैसे है डॉक्टर टिडमार्श? हमेशा की तरह व्यस्त है। आज सुबह शांडिया जाने को निकले हैं, जहाँ अब मुझे भी जाना होगा। साहब, आपकी बड़ी दया है। साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है। साहब, डॉक्टर टिडमार्श, एक दुर्घटना हुई है। डॉक्टर टिडमार्श की चिट्ठी। मेरे प्यारे जिम, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम इक्वाडोर आने के लिए व्याकुल हो, क्योंकि हमें हाल ही में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हम जो मिशनरी के लिए हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, वापस लौटने के लिए उस जहाज की दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना में मेरी पत्नी को बहुत चोट आई है, इस वजह से हमारा काम धरा का धरा रह गया है। डॉक्टर टिडमार्श, आदरणीय डॉक्टर टिडमार्श, मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारे जिम, बड़ी खुशी हुई ये जानकर। मुझे आशा है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्त पेटे फ्लेमिंग को पानी पसंद है, क्योंकि यहां आने के लिए तुम्हें 20 दिनों का सफर तय करना होगा, और मुझे यकीन है कि क्वीटो तुम्हें एक अलग ही दुनिया लगेगी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सस्ती सब्जी। अखबार लो अखबार, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अब तुम्हें सबसे पहले स्पेनिश भाषा सीखनी होगी, तकरीबन 6 महीने तक, जो कि समय है सिर्फ यहाँ की राजधानी में। Un poco más adelante. Ah, bueno, me hubiera dicho, señor. Vamos para allá. और तब जाकर तुम तैयार हो जाओगे पूरी तरह शांडिया के लिए। काफी सारे काम फिर से करने हैं वहां, और मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें वहां की केचुआ भाषा भी सीखनी होगी, छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना होगा, एक हवाई जहाज के एयर ट्रिप के लिए भी जगह बनानी होगी। अगर क्यूटो एक दुनिया है तो शांडिया एक अलग ब्रह्मांड लगेगा तुम्हें। पर इतना ध्यान रहे जिम, क्योंकि तुम ईश्वर के आज्ञाकारी हो, तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना होगा, कई परीक्षाओं का। Ali Mikani!
machete está hucha. Busca. Cuidado, शनिवार अगस्त 1953। कहते हैं 30 सालों में ऐसी बरसात नहीं हुई थी। 36 घंटे लगातार हमने कई कंस्तरों को ठिकाने लगाया था और एक मकान को खोल कर रख दिया। हमारी भाषा के टिप्पणियों की बातें, 5 इमारतें, बच्चों के खेलने का मैदान, हवाई जहाज की वो 100 गज की हवाई पट्टी, पूरे 1 साल की मेहनत, सब चला गया। पता था मुझे कि परीक्षा होंगी, पर ऐसी कभी सोचा भी न था। सोचकर हार जाता हूँ कि ईश्वर ऐसे समय पर क्या क्या करते रहते हैं। शांडिया अब नहीं रहा। पिता यीशु क्रिस्ट और पवित्र आत्मा के नाम में। यायापा शुरीपा उशाईया एस्पिरितु पास्टितु। सावन का समय आ चुका है। हाँ, पिछले 2 हफ्तों में कितना असर हुआ उनमें इन शब्दों का। तकरीबन 20 डोज रियो में पानों में भी उतरे हैं और इधर शांडिया में भी दर्जन भर और है। ईश्वर की कृपा से 1 साल में क्या से क्या हो गया। जैसे मैकुली भी हमें मदद करने जो आ गया मिशन में। हाँ, और एक तरफ जीम ने शादी भी कर ली। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। जानू पीट। और ये आ गया मेरा चमत्कार। आया जाने मन। रोजमर्रा की गिरिजाघर की बातों से हटकर है ना। हाँ, और सजीव भी। सत्य वचन है कि नहीं एट? सत्य वचन है। हे दोस्तों, तैयार हो जाओ। जानू थोड़ा और करीब, थोड़ा और। चलो मुस्कुराओ आप। 1, 2 एंड स्माइल। तो क्या जिम अकेले नहीं था? अरे नहीं, ईश्वर ने सब अपने भक्तों को वहाँ बुला जो लिया था। जिम ने मदद के लिए प्रार्थना जो की थी और उसे वो मदद मिली। ईश्वर की माया अपरंपार है। यहाँ कुछ नहीं है। सब्र करो। क्या सब्र करो? वो सब क्या माजरा था? मुझे लगता है वहाँ। हाँ देखो। कहाँ कहाँ कहाँ? ओ प्रभु, उनको कभी इस पर विश्वास न होगा। क्या बात है? हमारे पास सिर्फ लौटने तक का ही ईंधन बचा है बेटे। जानते हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या प्रकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने यही दिखाने के लिए मुझे इस दिन का इंतजार करवाया है। हमें संपर्क करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक कहते हो, पर कैसे? हफ्ते में 1 उड़ान। हम उन उड़ानों में भेंट ले आ सकते हैं, जैसे हम बाकी सब प्रचारकों के लिए करते हैं। और कुछ उनकी बोली भी। ओका की? कैसे? दयुमा, वो लड़की जो भाग आई थी अपनी बस्ती से। कभी मिला तो नहीं हूँ, पर जानता हूँ उसके बारे में। तुम लोग जाओ उड़ानों के लिए। मैं जानता हूँ उनकी बोली के कुछ शब्द, ताकि उन्हें पता चले कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। कुछ दिखाई दिया तुम्हें? अभी नहीं। वो यही कही है, सिर्फ मिलने की देरी है। बीतो एमिते वा पोनेमो। हम आपके दोस्त हैं। शुक्रिया दयुमा, तुमने हमें बहुत मदद की है। क्या आपको उनसे मिलना है? हमारी कोशिश तो ऐसी ही है। उनका भरोसा मत करो, वो पहले तुमसे दोस्ती करेंगे और फिर जान ले लेंगे। हमारे लोगों ने खूब सहनशीलता और धैर्यता दिखाई है। वे और उनकी पत्नियों ने दिन रात प्रार्थना की। हम डरे हुए थे, छुप कर बैठे हुए थे, जब एक दिन मुझे और एक मौका दो उन्हें पुकारने का। पीतो
Irina y Mopa. Vito emite wa ponemo. Dayuma kewinga. Dayuma ay ay kewinga. Vito emite wa ponemo. ईश्वर की जय हो, एक दिखा। पीतो इरिंगा इमोपा, पीतो इमिते वा पोनेमो। क्या कर रहे वो लोग? उन्हें समझ आ गया लगता है। हमें भेंट मिलने वाली है। हाँ। यस। ईश्वर की जय हो। अंजाम देने का वक्त आ गया है। तो ये तय रहा, हमारे गुट में शामिल होगा। हमें तुम पर भरोसा है नाटे। वो काफी अनुभवी है, जंगलों में रहने के तौर तरीके उसे अच्छी तरह से पता है। ये तय रहा कि 3 जनवरी को तुम हमें हवाई जहाज में एक एक करके उस पेड़ पर बने घर पर छोड़ोगे। एड, रॉजर और मैं रुकूंगा और तुम पेटे के साथ जहाज में लौट जाओ कल सुबह फिर आने के लिए और शाम होते लौट जाने के लिए। और हम रेडियो के जरिए अपने परिवार के संपर्क में रहेंगे। कैसे हैं पिताजी? ओ मेरी बोलती गुड़िया। खाना तैयार है लोगो? जिम, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या पर? जानो, सारी जिंदगी में ईश्वर की राह पर चला हो और उनके कहे का आदर किया है। सिर्फ थोड़े से खतरे की वजह से अब हम उल्टे लौट नहीं सकते, क्यों है ना? मैं जानती हूँ, मगर तुम कुछ नादानी तो नहीं कर बैठोगे ना? वादा करता हूँ, नहीं करूँगा। पीछो किरिंगा Imopa, pito imite wa ponemo, pito pito iringa imopa, pito imite wa ponemo, pito iringa imopa, pito emite wa ponemo. Kore tumba ponta monipo. फिर से कोशिश करो पेटे। बीतो गिरिंगा इमोपा। ओहो, अरे धीरे जिम, आराम से। पोइनानी, पोइनानी। Poinani! Poinani! Pete! Pete! Poinami! 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 Roger! Roger! Tum? Poinami to iringa imopa. Ko deidi kinan te apanika. Poinami te dedo inena mai. Poinami. Tu ma enyana mai. Poinami. Poinami. Hey, bahut badhiya. Nate, tumhe samajh mein aa raha hai? Ha? Kya kaha? Tumhe samajh mein aa raha hai? Okay, theek hai. Ishwar ka shukr hai, shukr hai. एड, अरे ओ एड, हाँ, इन्हें कॉकपिट दिखा लाओ। हाँ, क्यों नहीं। अरे ओ पेट, चलो उन्हें बताएं उड़ान पट्टे के बारे में। हमें ये ज्यादा पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये बहुत रेतीला है और हवाई जहाज जमीन पर उतरता है आउच बूम बैंग पेड़ों से टकराते हुए। नहीं, देख पेड़ हट जाएंगे तो जहाज आराम से उतर पाएगा। ओ, देखो जहाज आराम से उतरा। बहुत बढ़िया। पुतो आए बहेंते गोई पोगरो गोगी नो मांपा कोरी
पोतो इमोते आए बाएंते गोई पोगोरो गोकी नो मापा। क्या ये वही बोल रहा है कि जो मुझे लग रहा है कि बोल रहा है? हाँ वो वही बोल रहा है। वो प्रचारक के लिए एक खास दिन था, एक ऐसा दिन जहां वो और उनका परिवार कई अरसों से प्रार्थना कर रहा था। उनके मन में खुशी थी और हमारे मन में था डर। हमारे नए दोस्त एक पूरे दिन रुकने के पश्चात शाम तक हमारे साथ रुके। पेटे और मैं रात के लिए आरजुए कर रहे हैं। हमें खुशी है कि ईश्वर ने हमारी कोशिशों को कामयाब बनाया और हमें आशा है कि अगले कुछ दिनों में हमारा सफर और रंग लाएगा। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, ओवर। हमें खुशी है कि सब ठीक रहा है और तुम लोग सही सलामत हो। हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि तुम्हारी तरफ से ढेर सारी खुशियाँ आती रहें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सनम। दो दिन हो गए और कोई हलचल नहीं। अगर 5 मिनटों के अंदर वो नहीं निकले तो मैं उनके गांव की तरफ बढ़ूंगा। जरा रुक जाओ जिम, मुझे थोड़ा वक्त दो। रुको, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। तैयार हो जाओ साहब, वो अपनी राह पर निकल पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े, हम अकेले नहीं हैं। हे आखिरकार ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। हमारे पड़ोसी आज वक्त से पहले दोपहर के प्रार्थना में शरीक होंगे। मैं तुमसे 4:30 बजे तक संपर्क में लौटाऊंगा, ओवर। बढ़िया है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तब तक तुम सब हमारी प्रार्थना में रहोगे, ओवर एंड आउट। क्या मैं पिताजी से प्रणाम कह सकता हूँ? बेटा, वो 4:30 बजे संपर्क करेंगे। हाय पिताजी। विश्वास में जीत है, विश्वास में जीत है, विश्वास में जीत है सबसे बड़ी जीत। वोहो! मुबारक हो दोस्तों, जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ चुका है। कितने आ रहे हैं? तकरीबन 7 से 10 लोग। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं सोचता हूँ कि हम आज उनके गांव जा पाएंगे या नहीं। नाटे, तुम्हारा क्या मेरा? यही है दोस्त। ठीक है, अब वो घड़ी आ चुकी है। रोजर, क्या कर रहे हो? ये सब लिख रहा हूँ, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। क्या समय हुआ है? 3:05। वो आ गए हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम। पोइनानी, पोइनानी। पोइनानी, पोइनानी, पोइनानी। और अगर हमारी हार होती है तो शायद ईश्वर की जीत होगी। जेम, नहीं, नहीं। रुको, रुको, मत मारो, मत मारो। उन्हें मत मारो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं। रुक जाओ। फाइव सिक्स हेनरी, जवाब दो शेल्मिरा, जवाब दो। वो मूर्ख नहीं जो दे दोनों हाथों से, वो जो खुद नहीं रख सकता वो पाएगा जो वो खुद नहीं खो सकता। शेल्मिरा बुला रहा है।
56 हेनरी को, कुछ कहो सेलमेरा। सेलमेरा बुला रहा है 56 हेनरी को। सेलमेरा बुला रहा है 56 हेनरी को। मैं उड़ान नीचे ला सकती हूँ। सेलमेरा, सेलमेरा कुछ कहो, सेलमेरा, सेलमेरा कुछ कहो प्लीज। लेकिन वो लोग क्यों मारे गए? हम डरे हुए थे, हमें लगा कि वो लोग हमें बहलाकर जान से मार डालना चाहते हैं, तो हमने वही किया जिसकी हमें आदत थी, जान लेने की। कई सालों बाद हमें पता चला कि उनके पास हथियार थे और उन्होंने हम पर एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी नहीं। जब दयुमा लौटकर बस्ती में वापस आई, उसने हमें उनके बारे में सब बातें बताई जो हमारे वास्ते अनोखी थी। हमें जब महसूस हुआ कि उन लोगों ने मरते दम तक हमारा बाल भी बाका नहीं होने दिया, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों ना चली गई हो। वो लोग और परदेसियों से अलग थे, हम उनको हमेशा दूर से देखते रहते। उनके बाद हमें प्यार और माफी का मोल समझ आने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जान हंसते हंसते हमारे लिए दे दी, वैसे ही जैसे प्रभु ईसा मसीह ने अपनी जान उनके लिए दे दी थी। कुछ महीने बाद जिम इलियट की बीवी एलिजाबेथ और उनकी बेटी वेलेरी और नाटे सेंट की बहन राचेल साहस करके हमारी बस्ती में फिर आई। उन्होंने हमें माफ कर दिया और उनकी ये सोच देख और समझकर हम भी माफी का मोल समझने लग गए, और उनका ये प्यार देखकर हमने भी प्यार करना सीख लिया। उनकी प्रार्थनाओं और उनका साहस देख और महसूस कर हमने ईश्वर को समझा। पांच पुरुषों की जाने गई, पांच औरतें और उनके परिवार वालों ने हमें माफ किया। हम में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने हाथों से उनकी जाने ली थी। कुछ ऐसे ही लोगों ने फिर जाकर ईश्वर की राह पर चलकर जिंदगी जी और अच्छे क्रिश्चियन बने। वो इसलिए क्योंकि वो जिस ईश्वर से प्रेम करते थे वे उसके दिखाए रास्ते पर चले। एलिजाबेथ इलियट, उसकी बेटी वैलरी जीवित रही और अवकाश के लिए आने वाले 2 साल तक काम करते रहे और आगे जाकर वो प्रख्यात लेखिका बने। मरीलो मैक कूली ने प्रचारकों के बच्चों के लिए क्वीटो में एक आश्रम स्थापित किया। ओलिव फ्लेमिंग अमेरिका वापस लौट आई और अपनी आप बीती कहानी के रूप में लिखी। बाबरा यूडेरियन फिर से जीवारोस के पास लौट गई, जहां उसने रोजर के साथ जीवारोस की उन्नति के लिए पहले परिश्रम किया था। मार्स सेंट ने क्वीटो में एक नए प्रचारक का पद संभाला और रेचल सेंट नाटे की बहन अपने अंतिम समय सन 1994 तक अकोन के बीच रही। कैचवा में ओकास का मतलब है आदमखोर। अब वो लोग उनके इस पुराने नाम से नहीं जाने जाते, बल्कि उन्हें वावरानी के नाम से जाना जाता है। स्टीव सेंट नाटे का बेटा अब भी वावरानीज के उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। कि वो मूर्ख नहीं जो कि दोनों हाथों से वो जो खुद नहीं रख सकता वो पाए जो वो खुद नहीं खो सकता।